वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हमारी स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ेगी। बे को याद आता है कि उसके बॉस उसको जॉब से तो रिजाइन करने नहीं देंगे, तो बे को ये सब सोच के ही बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन बे और कुछ अभी कर नहीं सकती है बजाय ये सोचने के कि आगे बे कैसे रिजाइन करने का नया तरीका निकाले। नेक्स्ट स्क्रीन में हमें दिखाया जाता है कि बेजिंग को पता रहता है कि उसके हाई हील के कारण वे हॉस्पिटल पहुंच सकती है, तो वे इस बार शूज पहनकर जाती है। जब वे लिफ्ट के पास जाती है तब उसे लिफ्ट एक्सीडेंट का सीन याद आ जाता है, जिसके कारण वे थोड़ी डर जाती है। वे सोचती है कि स्टेयर से जाना बेहतर रहेगा। स्टेयर से जाते जाते वे बहुत थक चुकी थी और हमें दिखाया जाता है एक नए लड़की को, इसका नाम चूजी है। सॉरी दोस्तों अगर गलत प्रोनाउंस हुआ होगा। तो चूजी बेजिंग को डिनर के लिए इनवाइट करता है, उसी समय बॉस आ जाते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन में हमें दिखाया जाता है कि बेजिंग और बॉस किसी मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं। बेजिंग के मन में ये ख्याल आता है कि अगर वे मीटिंग पर लेट पहुँची तो वे रिज़ाइन कर सकती है। नेक्स्ट स्क्रीन में हमें दिखाया जाता है कि बेजिंग और चू एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और बॉस की बुराई कर रहे होते हैं। तभी बेजिंग के बॉस का कॉल आता है और वे उसे कुछ काम के लिए बोल रहे होते हैं। और फिर उसके बाद बेजिंग के बॉस जब बेजिंग का प्रोफाइल चेक करते हैं तब वहां पर एक फ़ोटो अपडेट किया हुआ रहता है, जिसमें बेजिंग किसी लड़के के साथ शायद देखने को मिलती है। बॉस को ऐसा लगता है, बॉस सोचते हैं कि मैं ओवर टाइम यहाँ पर कर रहा हूँ और बेजिंग इन सेलिब्रेट कर रही है। इस स्क्रीन में हमें देखने को मिलता है चू बेजिंग को ड्रॉप करता है। अब ये फोर टाइम हो रहा होता है, बेजिंग ये सब सोच रही होती है। तभी उसकी मॉम का उसके लिए कॉल आता है। उसकी मॉम बोलती है कि तुम शादी कब करोगी, शादी का उम्र निकला जा रहा है। बेजिंग बोलती है कि अभी मेरा उम्र ही क्या है, सिर्फ मैं 25 की हूँ अभी। तभी उसके सामने उसके बॉस आ जाते हैं उसके लैपटॉप के सामने। तो बेजिंग की मॉम को लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। आगे हम लोग को न्यू शख्स से मुलाकात होती है, इसका नाम फेंग जिया है। ये न्यू एरा में लीगल कॉन्सर्न है। शायद ये बॉस को लाइक करती है लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बॉस तो बेजिंग को परेशान करने में ही बिजी रहते हैं। आज बेजिंग और बॉस का डिनर का प्लान होता है, लेकिन बेजिंग का कुछ अलग ही प्लान था। बेजिंग चाहती थी कि वे बॉस को पूरा ड्रिंक करवा दे और फिर उसके बाद उनका सिग्नेचर ले ले रजिस्ट्रेशन लेटर पर, लेकिन बॉस जब ड्रंक हो जाते हैं तब उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और उसी हालत में बेजिंग को किस कर लेते हैं। उसके बाद बेजिंग उसका फ़ोटो लेने लगती है क्योंकि वे बहुत क्यूट लग रहा था। जब बेजिंग घर पहुंचती तब वे ये सब मूमेंट याद कर रही थी। फिर 12 बज जाते ही दिन 20 मई स्टार्ट हो जाता है। अब बेजिंग डिसाइड करती है कि वे बहुत गलती करेगी तब उसके बॉस उसे जॉब से निकाल देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, उसे बॉस उसको और अच्छा बोलते हैं। अगले स्क्रीन में हमें दिखाया जाता है कि बेजिंग बॉस को गलत रास्ता से ले जा रही थी, पर अच्छा हुआ क्योंकि उसके बॉस एक फ्रॉड से बच गए और अब सब ये बात से बहुत खुश थे कि इन कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ। बॉस आज बेजिंग को डिनर पर लेके जाना चाहते थे।